गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोस के अपडेट्स आपको समय समय पर मिलते रहें। ये आपका पार्ट 21 वीडियो चैप्टर का। पार्ट 21 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे है और एक्सरसाइज है 15.10। देखिए क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नांकित श्रेणियों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे ये जो श्रेणी दी गई है, पहले है एक का स्क्वायर पहला पद, फिर प्लस में देखिए दूसरा पद है आपका एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर, तीसरा पद है यहाँ एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, ऐसे ही चौथा पद होगा एक का स्क्वायर दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस चार का स्क्वायर। अच्छा, उसी तरह हम आपसे कहें कि दी गई श्रेणी का एनवा पद तो एनवा पद क्या हो जाएगा, तो वो होगा आपका एक का स्क्वायर प्लस दो का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर प्लस डॉट 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 कहां तक एन का स्क्वायर, समझ रहे ना, स्क्वायर के रूप में इस तरह से इसका एनवा पद होगा। तो ये प्लस के रूप में दिया गया है, तो ये आपको क्या दर्शा रहा है, यहाँ पे ये दर्शा रहा है प्रथम एन प्रकृत संख्याओं के वर्गों का योग। तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है, तो डायरेक्ट यहाँ से एन लिख सकते हैं, एन इंटू एन प्लस वन इंटू टू एन प्लस वन और बटा में सिक्स। चलिए ऊपर थोड़ा इंटू करते हैं, 1/6 ऐसे रख लेते हैं, एन को ऐसे रख लेते हैं और इसको गुणा करते हैं, हो जाएगा आपका टू एन स्क्वायर प्लस में एन प्लस में टू एन और प्लस में वन। चलिए आगे सॉल्व करते हैं, 1/6 एन ब्रैकेट के अंदर टू एन स्क्वायर प्लस थ्री एन प्लस में वन, ये एन जो है ना इस सब में गुना हो जाएगा, तो 1/6 क्या हो जाएगा आपका ब्रैकेट के अंदर हो जाएगा 2n का क्यूब, ठीक है, प्लस 3n स्क्वायर प्लस में n। समझ में आया ना, n जो है तीनों में गुणा कर गया है, 2n क्यूब हो गया फिर 3n स्क्वायर हो गया प्लस में n हो गया, यानी कि ये आपका एनवा पद आ गया। हमें इसका योग निकालना है, Sn निकालना है, तो Sn बराबर होता है सिग्मा ए एन, यानी कि सिग्मा 1/6 ब्रैकेट के अंदर आपका हो जाएगा 2n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस में n। समझ में आया ना, चलिए तो ये जो 1/6 इसको बाहर कर लेते हैं, ठीक है, ये 1/6 सिग्मा 2n क्यूब प्लस में 3n स्क्वायर प्लस में n, यही ना होगा। अच्छा फिर अलग अलग करिएगा तो यह हो जाएगा 1/6, यहाँ बड़ा ब्रैकेट दे देते हैं क्योंकि 1/6 सबके साथ गुना में है, तो यहाँ बच जाएगा 2 सिग्मा n क्यूब प्लस 3 सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, यही ना होगा। चलिए अब तीनों का फॉर्मूला लगा देते हैं, तो यहाँ होगा 1/6 ब्रैकेट के अंदर 2 में, इसका फॉर्मूला जानते हैं आप लोग क्या होता है, तो एन इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा इसका भी जानते हैं, तो क्या हो जाएगा इसका सिग्मा एन स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन और बटा में सिक्स, और प्लस सिग्मा एन का भी जानते हैं एन इंटू एन प्लस वन और बटा में टू। क्लियर है इतना, देखिए यहां से इसको काट सकते हैं दो बार में, समझ रहे ना। चलिए आगे देखते हैं, 1/6 ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे एन इंटू एन प्लस 1/2 यहाँ भी है यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन करते हैं एन इंटू एन प्लस वन और बटा में टू। चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे ये आपका 2 बच जाएगा और इंटू में ये स्क्वायर है तो एक बार बचेगा ना एन इंटू एन प्लस वन और बटा में 2, समझ गए। चलिए प्लस यहाँ देखिए ये एन प्लस एन इंटू एन प्लस 1/2 कॉमन हो गया तो यही ना बचेगा सिर्फ, चलिए क्या बचेगा 2n प्लस 1 और ये तो कॉमन हो गया, यहाँ पे 1 बचेगा, यहाँ देखिए 2 से 2 कट जाएगा ना। चलिए आगे देखते हैं अगले स्टेप में, तो यहाँ चाहे तो हम लिख सकते हैं 1/12 इंटू में एन इंटू एन प्लस 1, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर इसको इंटू कर दे क्या यहाँ पे एन स्क्वायर प्लस में एन, ठीक है, और यहाँ प्लस में 2n और प्लस में 1 क्या हो जाएगा 2, तो इसको जोड़ने की जरूरत नहीं, देखिए ऐसे ही दो दो को में कॉमन हो सकता है, तो 1/12 एन इंटू में एन प्लस 1, यहाँ देखिए कॉमन करिए इन दोनों में तो हम लोग बेकार में इसको गुना किए हैं, है ना। चलिए फिर दोबारा करना पड़ा, एन इंटू एन प्लस 1, यहाँ इसमें से 2 कॉमन कर लेंगे तो यहाँ n प्लस 1 आएगा, दोनों ब्रैकेट में सेम आ गया कि नहीं, चलो तो 1/12 इंटू एन प्लस 1, यहाँ से कॉमन होगा n प्लस 1 ना,
चलिए, तो एन प्लस वन कॉमन हुआ तो बच जाएगा एन प्लस टू। तब इसको कैसे लिख सकते हैं, यहाँ से जो आपका सम आ गया वो आ गया 1/12 n, है ना। ये देखिए ये दो बार है, तो एन प्लस वन का होल स्क्वायर इंटू में एन प्लस टू, समझ में आया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, 14 नंबर। यहाँ देखिए, यहाँ जो देख रहे हैं ना, यहाँ तीन तीन के गुना के रूप में दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है इसमें कि प्रत्येक का पहला पद देखा जाए, 1, 2, 3, है ना, हर एक का पहला पहला अंक जो है एन टर्म तक गया है ना ये। चलिए डॉट 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 क्या है, एन टर्म्स तक। तो ये कैसे दिख रहा है, एपी में है, एपी में है। दूसरा भी देख लीजिए आप, 2 है, 3 है, 4 है, ये भी एन टर्म्स तक गया है, ठीक है। ये भी किस में है, एपी में है, एपी में है, ठीक है। और इनके प्रत्येक का तीसरा तीसरा दे, 3, 5, 7, 3, 5, 7, ये भी आपको एन टर्म्स तक गया है और ये भी आपका एपी में है। तो यहाँ लिख सकते हैं नीचे कि दी गई श्रेणी श्रेणी का एनवा पद कैसे लिखेंगे, तो ए एन बराबर, ये देखिए तीन तीन के गुणनफल के रूप में है ना, तो तीनों श्रेणी के गुणनफल के रूप में एनवा पद यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। तो देखिए इसका एनवा पद कैसे निकालेंगे, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो डी का मान यहाँ क्या आएगा, डी का मान यहाँ पे एक ही ना है, चलिए फिर इंटू में इस दूसरे वाले के लिए लेकर चलते हैं। तो जाएगा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी के, अभी यहाँ भी वन, फिर अगला भी जो है इसमें देखिए यहाँ पे, चलिए यहाँ पे है ए, तो ए के जगह पे है आपका 3 + n - 1 और डी के जगह यहाँ कितना आएगा, 2 आएगा ना, चलिए डी का मान 2 हो गया। चलिए यहाँ अंदर इंटू करते हैं, तो 1 + n - 1 कोई फर्क थोड़ा पड़ेगा, 1 से इंटू होगा। तो चलिए अंदर 2 + n - 1 और यहाँ होगा 3 + 2n - 2, समझ गए। यहाँ देखिए ये 1 से 1 गया, यानी कि एनवा पद यहाँ हो जाएगा n इंटू में, यहाँ देखिए n प्लस 1 हो जाएगा, ठीक। अच्छा यहाँ पे 2n और ये घटेगा तो प्लस 1, 2n + 1। अब यहाँ से इसको इंटू करेंगे और यहाँ से इसका योग निकाल लेंगे। चलिए तो इंटू करते हैं, इसमें पहले इंटू करते हैं, तो 2n² प्लस में n प्लस में 2n + 1, चलिए ए एन बराबर हो जाएगा एन इंटू 2n² प्लस में 3n + 1, चलिए इसमें इंटू कर देते हैं। तो यहाँ से नवा पद आपका हो जाएगा 2n³ प्लस 3n² और प्लस में n। अब यहाँ से योग निकाल देना है, तो ये तो बहुत इजी है, इसके पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही हो गया, बस उसमें 1/6 था, यहाँ 1/6 बाहर 1/6 था उसमें, इसमें नहीं है, बाकी सारा काम तो वही करना है जैसे पिछले क्वेश्चन में किए थे। तो मुझे लगता है कि इसको आपको बताने की जरूरत नहीं है, ये आप आगे सॉल्व कर सकते हैं, ये आप कर लीजिए आगे, अभी तो पिछला क्वेश्चन बताया उसी की तरह है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, देखिए इसको तो हम लोग डायरेक्ट ही बना सकते हैं, पहले इसको देखिए सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए बाहर कुछ नहीं है, तो 1 पहले दे दीजिए, ठीक है, 1 दे सकते हैं कि नहीं, एकदम दे सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 × n² माइनस में 1 × 1² ध्यान से देखिएगा, प्लस 2 × n² माइनस 2 × 2² ठीक, प्लस 3 × n² और माइनस में 3 × 3² क्लियर है। चलिए प्लस डॉट डॉट कहाँ गया तक, n टर्म्स तक, क्लियर है। अब देखिए यहाँ ध्यान से थोड़ा ध्यान दीजिएगा, हम क्या करते हैं ना, ये वाला टर्म जो प्लस में है उसमें से एन स्क्वायर को बाहर निकाल लेते हैं, तो बच जाएगा 1 + 2 + 3, ये कहाँ तक, तो एन टर्म्स तक, क्लियर है। और माइनस इसमें से देखिए, यहाँ देखिए ये हो जाएगा -1³ -2³ -3³, देख रहे हैं ना। चलिए इसी तरह से ये भी कहाँ चल जाएगा, एन टर्म्स तक, ठीक है, 2n टर्म्स, समझ रहे ना, n टर्म्स लिखे हैं। चलिए n² इंटू में है 1 + 2 + 3, ये कहाँ तक गया है, n टर्म्स तक। अच्छा माइनस कॉमन कर ले क्या यहाँ पे, तो हो जाएगा 1³ + 2³ + 3³, ये भी आपका कहाँ तक चला गया है, n टर्म्स तक, ठीक है, 2n टर्म्स तक ये भी गया है।
अब देखिए ये तो योग के रूप में आपको दिख ही रहा है ना, प्रथम एन प्राकृत संख्या आपका योग, तो इसका तो फॉर्मूला ही होता है एन इंटू एन प्लस वन और बटा में टू। अब देखिए यहाँ देखिए प्रथम एन प्राकृत संख्याओं के घनों का योग दिया है यहाँ, तो इसका फॉर्मूला भी जानते हैं, होता है एन इंटू एन प्लस वन बटा में टू का होल स्क्वायर। चलिए दोनों जगह से कॉमन करते हैं, तो कॉमन होगा एन स्क्वायर इंटू में एन प्लस वन और बटा में टू। तो यहाँ क्या बचेगा आपका, यहाँ सिर्फ आपका देखिए एन स्क्वायर कॉमन हो गया, ये बाहर ही आ गया, तो सिर्फ एन बचेगा ना माइनस। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए ध्यान से, ये एन का स्क्वायर है ना, एन का स्क्वायर। चलिए तो एन का स्क्वायर बाहर निकल गया है, इसमें से एक बच जाएगा, क्लियर है। अच्छा नीचे जो है टू का स्क्वायर है ना यहाँ, तो एक टू निकला है, एक टू तो बचेगा ना। चलिए अब एलसीएम लेते हैं, यहाँ पे एन स्क्वायर इंटू में एन प्लस वन बटा में टू, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम लेते हैं, एलसीएम होगा टू, हो जाएगा टू एन माइनस, यहाँ साइन बदल जाएगा एन माइनस वन। ये टू टू या फोर कर सकते हैं, तो वन बाई फोर एन स्क्वायर इंटू में एन प्लस वन, यह हो जाएगा एन माइनस वन, यानी कि वन बाई फोर एन स्क्वायर, इसको चाहे तो एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर नहीं कर सकते हैं, तो एन स्क्वायर माइनस वन का स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा वन बाई फोर एन स्क्वायर ब्रैकेट में एन स्क्वायर माइनस वन। समझ में आया ये? क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देखते हैं 18 नंबर, देखिए कितना इजी क्वेश्चन है। या देखिए इस तरह का हम लोग क्वेश्चन बनाए थे, क्वेश्चन नंबर याद है आपको 13 नंबर बताए थे, ठीक है। तो उसमें एन पद तक दिया था, इसमें 10 पद तक दिया है, करना कुछ नहीं है, हम लोग एन पद तक का अगर निकालेंगे तो यहाँ पे आपको एस एन प्राप्त क्या होगा, तो वही जो पिछले क्वेश्चन नंबर 13 में प्राप्त हुआ था, 1/12 एन इंटू एन प्लस वन का स्क्वायर और इंटू में आपका एन प्लस टू, ये ना प्राप्त होगा। अब करना क्या होगा कि यही जो n की जगह 10 रख लेना, आप यहाँ 10 रख दीजिए, इसमें n बराबर 10 रख दीजिए आ जाएगा, यानी यहाँ से आपका s 10 बराबर हो जाएगा 1/12 इंटू 10 ब्रैकेट में 10 प्लस 1 का स्क्वायर 10 प्लस 2। चलिए 1/12 गुना 10 गुना 11 का स्क्वायर होगा ना यहाँ, तो 121 लिख दें डायरेक्ट, और गुना में 12, 12 से 12 गया, ये हो जाएगा 1210। समझ में आया ना, बहुत इजी है। तो इस तरह के क्वेश्चन में कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 से अब थोड़ा सा अलग क्वेश्चन, इसका भी योग ही निकालना है। चलिए अच्छा यहाँ देख रहे हैं, एक है प्लस 1/1 प्लस 2, फिर 1/1 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 3 हो जा रहा है, फिर आगे चल के ऐसे ही अगर एनवा पद क्या होगा, तो यहाँ लिखेंगे दी गई श्रेणी का एनवा पद, एनवा पद यानी कि एन बराबर यहाँ कुछ इस तरह से होगा 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक ये चल जाएगा, एन तक, ये ना होगा इसका एनवा पद। अच्छा ये नीचे तो एन प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग दिख रहा है, इसका मतलब कि यहाँ से ये हो जाएगा 1/n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, ये ना हो जाएगा, यानी कि यहाँ से एन बराबर प्राप्त हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा 2/n इंटू एन प्लस 1, यही ना होगा आपका। अब देखिए यहाँ से थोड़ा आपका हिसाब गड़बड़ हो जाएगा, ये देखिए यहाँ से एनवा पद आ गया, लेकिन अब इसमें उस तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में सिग्मा लगा के बना देते थे, योग निकाल देते थे, यहाँ पे वैसे नहीं निकालना होगा। यहाँ पे करना क्या होगा, यहाँ पे देखिए आपको, सॉरी पिछले क्वेश्चन का छूट गया था, चलिए इसको देखिए आगे इसमें। अब देखिए ये एनवा पद है, आपको क्या करना होगा कि यहाँ मान लेना होगा कि माना, ये देखो इसको आपको ना पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा तोड़ना है। आप सोच रहे हो पार्शियल फ्रैक्शन तो आप बताया नहीं है, आगे 12th का टॉपिक है, लेकिन इस पे करना होगा, देखिए आपको समझ में आ जाएगा। देखिए अलग अलग इसको तोड़ना होगा, ठीक है, 1/1 ये एन चला जाना चाहिए, 1/1 ये एन प्लस वन चला जाना चाहिए, वो होता है पार्शियल फ्रैक्शन। देखिए किस तरह से तोड़ा जाता है, आपको करना क्या होता है कि इसको मान लेंगे 1/n और इसको मान लेंगे 2/n+1, अलग अलग फ्रैक्शन में तोड़ा जा रहा है यहाँ पे, समझ रहे ना बात को। अब इसको तो वैसे ही लिखेंगे n इंटू एन प्लस वन, यहाँ एलसीएम लेंगे, ठीक है, यही पार्शियल फ्रैक्शन का रूप होता है, इसमें से भाग करेंगे, ये बचेगा, ये जाके ऊपर गुना करेगा ना a इंटू एन प्लस वन, प्लस इसमें से भाग करेंगे n बचेगा, n जाके b n हो जाएगा, नीचे नीचे काट सकते हैं ना। अब देखिए आपको करना क्या होता है, या तो इसको डायरेक्ट भी रख सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट भी रख सकते हैं, या इसको सॉल्व भी किया जा सकता है, तो दोनों तरीके से आपको समझा देते हैं जो आसान लगे। देखिए हम n बराबर 0 अगर रख लें, n की जगह 0 रखें, तो ये तो गायब हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का 1, देख रहे ना, 0 में 1 जुड़ेगा 1, तो बच जाएगा a, यानी कि a का वैल्यू यहाँ से प्राप्त हो गया 2,
बराबर में 2 है। अच्छा अगर n की जगह -1 रखे यहाँ पे तो ये तो 0 हो जाएगा, यानी ये वाला गायब हो जाएगा, ये माइनस बी बराबर माइनस का 2, यानी कि बी बराबर यहाँ से आ जाएगा माइनस का 2। ठीक है, अगर ऐसे डायरेक्ट ना निकालने का मन करे तो आपको करना क्या होगा इसमें, ये तो डायरेक्ट आपको बता दिया, अगर नहीं निकालना है डायरेक्ट तो आपको करना क्या होगा, 2 बराबर यहाँ गुना करिए ए एन प्लस में ए प्लस में बी एन, ए यहाँ 2 बराबर हो जाएगा, यहाँ देखिए एन वाले ये दोनों हैं तो यहाँ से एन कॉमन कर लेंगे तो बच जाएगा ए प्लस बी इंटू में एन प्लस ए। ठीक है, अब देखिए यहाँ n के साथ गुना में a प्लस बी है, यहाँ n वाला कोई टर्म नहीं है, इसलिए आपको करना क्या होगा कि a प्लस बी बराबर 0। कहने का मतलब कि n के गुणांक तथा अचर को अलग अलग करने पर, अलग अलग करने पर, समझ रहे ना बात को, देखिए यहाँ n का गुणांक a प्लस बी है और इधर नहीं है तो 0 है। ठीक है, उसी तरह यहाँ देखिए ये अचर इधर a है और इधर आपका 2 है, तो ये का मान 2 आ गया, यह a का मान यहाँ रख देंगे तो 2 रख देंगे, यहाँ से b का मान आपको प्राप्त नहीं हो जाएगा माइनस का 2। तो जो आसान तरीका लगे आप उससे निकाल सकते हैं। अब देखिए a और b का मान जब प्राप्त हो गया तो अब पुनः चूंकि आपके पास an बराबर है ना, an बराबर क्या था तो 2 by n इंटू एन प्लस 1, और हम इसको माने थे a बटा में n और प्लस में b बटा में n प्लस 1। अब फाइनली यहाँ a और b का वैल्यू रख दीजिए, तो यहाँ से a का वैल्यू रखेंगे कितना है 2, तो हो जाएगा 2 by n, और b का वैल्यू क्या रखेंगे माइनस का 2 है, तो यहाँ माइनस में आ जाएगा ना, तो यहाँ माइनस ही रहने देंगे, हो जाएगा 2 और बाई में n प्लस 1, समझ गए ना, b के बाद माइनस 2 था इसलिए यहाँ माइनस आ गया, तो यहाँ से आपका अब ये nवां पद प्राप्त हो गया, अलग अलग हो गया ना पार्शियल फ्रैक्शन के रूप में। तो चलिए अब देखिए यहाँ पे करना क्या होगा। अच्छा अब लिखेंगे यहाँ n बराबर 1 पर, जैसे साबित करते थे ना वही प्रक्रिया यहाँ चलना होगा। ठीक है, n बराबर 1 पर, तो देखिए यहाँ a1 हो जाएगा बराबर में 2 by 1 माइनस 2 by 1 प्लस 1, 1 रखेंगे तो 1 plus 1 यानी कि 2 हो जाएगा। चलिए n बराबर 2 पर, तो a2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे 2 by 2 माइनस 2 by 2 plus 1 3 हो जाएगा। चलिए n बराबर 3 पर, यानी a3 बराबर हो जाएगा यहाँ पे 2 by 3 माइनस 2 by, देखिए 3 और 1 कितना हो जाएगा 4 ना, तो मैं रहना यहाँ रखते जाना है। ठीक, अच्छा इसी तरह से अगर n के जगह पर हम लोग यहाँ n के जगह पर हम लोग कुछ किसके पहले वाला पद यानी कि n माइनस 1 ले लें, n के जगह n माइनस 1 यानी कि यहाँ से आ जाएगा a n माइनस 1 बराबर हो जाएगा 2 बटा में n माइनस 1 माइनस 2 बटा में, देखिए n माइनस 1 यहाँ जब रखेंगे इनके जगह तो 1 1 कट जाएगा 2 by n आ जाएगा, समझ गए। अच्छा अब n ही रहने दिया जाए, n ही रहने दिया जाए, यानी an बराबर हो जाएगा 2 by n और माइनस 2 by n प्लस 1, समझ गए ना। अब इन सबको जोड़ देंगे, तो इसको जोड़िएगा तो a1 a2 a3 a4 डॉट 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 an तक योग, यानी ये क्या निकलेगा sn ही ना कहलाएगा, ये इन सब का योग sn कहलाएगा जोड़ने पर, चलिए sn ही कहलाएगा। और इधर देखिए अल्टरनेटली करते जाएगा, ये वाला इससे ये वाला आ गया, ऐसे करते जाएंगे ना सारे करते जाएंगे, लास्ट में खाली ये बचेगा और शुरू में आपका 2 बचेगा, 2 by 1 बच गया, यानी कि 2 ही ना लिखेंगे और माइनस 2 by n प्लस 1 आ गया, समझ गए। अब यहाँ पे एलसीएम लेके सॉल्व कर देंगे तो यहाँ से योग निकल जाएगा, तो n प्लस 1 इसमें इसमें भाग करेंगे यही बचेगा, ये जाके ऊपर गुणा करेगा ना 2 into n प्लस 1, अच्छा इसमें से भाग करेंगे 1 आएगा, 1 जाकर 2 में गुणा करेगा 2 ही, यानी कि यहाँ से sn बराबर हो जाएगा 2n प्लस 2 माइनस 2 बटा n प्लस 1, यहाँ से ये कट गया, आ गया फाइनली 2n बटा n प्लस 1, यहाँ से योग आ गया, समझ गए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 22 नंबर से, यहाँ कह रहा है कि निम्नलिखित श्रेणी क्या nवां पद है ना और n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। देखिए ये श्रेणी एपी में नहीं दिख रही है, ध्यान देंगे यहाँ एपी में नहीं है, तो आपको देखिए इसमें चेंज थोड़ा सा करना होगा। यहाँ पे इसको मान लेते हैं sn, ठीक है, माना कि sn बराबर आपका दिया है 2 plus 6 plus 12 plus 20 प्लस ये आगे गया है n टर्म तक, ठीक है, यानी कि ये मान लीजिए आगे कहाँ तक चल जाएगा, ये आपका आ जाएगा tn माइनस 1 है ना, और आगे चल के फिर आएगा tn, समझ गया।
अब देखिए यहाँ पे इसी को हम दोबारा लिखते हैं, लेकिन अल्टरनेटली लिखेंगे, यानी कि 2 को इसके सामने, 6 को इसके सामने, है ना, फिर 12 को इसके सामने, ऐसे ही 12 के बाद क्या आएगा 20, ऐसे ही ये चल जाएंगे। अच्छा यहाँ पे आ जाएगा टी एन माइनस वन और यहाँ आ जाएगा प्लस का टी एन, ठीक है। अब यहाँ घटाते हैं, समझ रहे हैं ना, घटाते हैं तो सबका साइन बदलना होगा ना, सबका साइन बदल जाएगा यहाँ, समझ रहे हैं बात को। चलिए तो ये हो जाएगा 0, इधर होगा 2, इधर घटेगा तो आपका 4, यहाँ पे 6, यहाँ पे 8, प्लस में ही आएगा, ठीक है, यही ना आगे बढ़ते जाएगा। चलिए अब देखिए ये जो है, ये देखिए ये सब एपी में ही ना चलते जाएगा, ये भी घटेगा तो आपका एपी में ही होगा, मतलब ये आगे एन टर्म तक गया है और लास्ट में ये क्या बच जाएगा आपका माइनस का टी एन, ये बच जाएगा, समझ रहे हैं ना, एक को छोड़ के घटा रहे हैं तो ये जो श्रेणी आ रही है घट के, ये सब एपी में हो रहा है, लास्ट में आपका टी एन बच गया, इधर ला के दिए प्लस का टी एन, बराबर में हो गया 2 + 4 + 6 + 8, ये कहाँ तक, तो एन टर्म्स तक, समझ गया। चलिए तो ये जो है यहाँ से टी एन आप आसानी से निकाल सकते हैं ना, इसका फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे एन बाई टू ब्रैकेट के अंदर 2 × a + n-1 और d की जगह क्या होगा यहाँ से 2 आ जाएगा, समझ गए। चलिए यानी हो जाएगा n बाई टू ब्रैकेट के अंदर 4 + 2n-2 n होगा, चलिए n बाई टू ब्रैकेट के अंदर यहाँ क्या हो जाएगा 2n + 2, क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं, टी एन एन कुछ भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये हम लोग इसके जगह एन भी लिख सकते थे, हम लोग टी एन लेके चले, आपको पहले ही समझाया जा चुका है, टी एन बराबर एन बाई टू, यहाँ से 2 कॉमन कर सकते हैं, एन प्लस 1 बचेगा, 2 से 2 कर जाएगा, यहाँ से टी एन बराबर क्या आ जाएगा एन स्क्वायर और इंटू करो प्लस में एन, समझ गया ना, तो ये एनवा पद आपका आ गया। अभी योग भी निकालना है, यानी एस एन भी चाहिए, तो सिग्मा टी एन होगा ना, यानी कि सिग्मा एन स्क्वायर प्लस में एन, तो इसका मान तो निकालना बहुत आसान है, आपको पता ही है कैसे निकालना है, सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा एन, इसका फॉर्मूला कही है एन इंटू एन प्लस 1 इंटू में 2n + 1 बटा में 6 और प्लस एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, कॉमन कर लीजिए एन इंटू एन प्लस 1 बटा में 2 कॉमन हो जाएगा यहाँ पे, है ना, यही ना कॉमन दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ बच जाएगा ऊपर 2n + 1 और बटा में 3 और प्लस में यहाँ 1 बच जाएगा, यही ना होगा आपका। चलिए आगे सॉल्व करते हैं यहाँ पे, चलिए तो ये हो जाएगा n इंटू एन प्लस 1 बटा में 2, ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लेके यहाँ पे, एलसीएम होगा 3 ना, 3 एलसीएम होगा, तो यहाँ हो जाएगा 2n + 1 और प्लस में 3, n इंटू एन प्लस 1 बटा में 3 दूना 6 कर देते हैं, ठीक है, और ऊपर हो जाएगा 2n + 4, यहाँ से 2 कॉमन हो सकता है, चलिए 2 कॉमन कर लीजिए, तो हो जाएगा 2/6 एन इंटू एन प्लस 1, यहाँ से 2 कॉमन हो गया तो एन प्लस 2 बच जाएगा, इसको काट देंगे तो 1/3 इंटू एन इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2, यहाँ से आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 27 नंबर, जैसे अभी इसके पहले वाला क्वेश्चन बताया है ना, उसी तरह का यह भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 22 की तरह ही है, ये थोड़ा समझिए। एक आदमी अप्रैल माह के प्रथम दिन 1 रुपया, दूसरे दिन 3 रुपया, तीसरे दिन आपके पास कितना 6 रुपये और फिर चौथे दिन 10 रुपये, इसी तरह वह पूरे महीने जमा करता है, तो 30 अप्रैल को कितना जमा करना होगा, यानी कि 30 अप्रैल को कितना जमा करना होगा और पूरे अप्रैल माह में वह कुल कितना जमा हो जाएगा उसका पैसा, ये भी बताना। तो हम लोग 30 दिन का नहीं, हम लोग एन दिन का निकालते हैं कि माना वह व्यक्ति, वह आदमी या व्यक्ति जो भी है, वह आदमी एन दिन पैसे जमा करता है, समझ गए ना, समझ गए। यानी कि अब यहाँ पे आप मान लीजिए कि एस एन बराबर क्या हो जाएगा 1 + 3 + 6 + 10 प्लस, है ना, यही ना होगा, कहाँ तक ये चल जाएगा, तो ये चल जाएगा आपका ए एन माइनस 1 और प्लस में ए एन तक, समझ गए। चलिए अच्छा फिर दोबारा आप क्या करेंगे, इसी श्रेणी को हम लोग एन दिन का निकाल रहे हैं पहले, तो इसी श्रेणी को कैसे लिखेंगे 1 + 3 + 6 एक एक छोड़ के + 10
ये यहाँ आ जाएगा आपका ए एन माइनस वन और प्लस में ए एन, समझ गए। और यहाँ फिर घटाते हैं, घटाएंगे यानी साइन बदलेंगे ना यहाँ पे, चलिए साइन बदलेंगे इन सब का, समझ गए। तो ये तो कट जाएगा ना, यहाँ आ जाएगा जीरो, यहाँ देखिए वन, यहाँ घटेगा तो टू थ्री फोर, ये कहाँ तक चल जाएगा, तो ये देखिए ए एन तक आएगा और ये लास्ट में माइनस का ए एन आपका बच जाएगा, तो इधर आके प्लस का ए एन हो जाएगा, यानी ए एन बराबर वन प्लस टू प्लस तीन प्लस फोर, कहाँ तक ये चल जाएगा, एन टर्म्स तक, ठीक है एन टर्म्स तक जा रहा है, यानी कि यहाँ से ए एन का मान प्रथम एन प्राकृत संख्याओं का योग ही ना होगा, ही ना होगा, यानी कि एन इंटू एन प्लस वन बटा में टू, ठीक है ये हो जाएगा। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं वन बाई टू, इसमें इंटू कर दीजिए एन स्क्वायर प्लस में एन, एन स्क्वायर प्लस में वन एन, तो यहाँ एन का मान आ गया। अब हमें योग निकाल लेना है, उसके बाद 30 दिन का कार्य वहां 30 रख देंगे, चलिए तो एस एन यानी कि सिग्मा ए एन, यानी हो जाएगा सिग्मा वन बाई टू ब्रैकेट के अंदर एन स्क्वायर प्लस में एन, यही ना होगा। चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको, वन बाई टू बाहर निकाल देंगे, सिग्मा एन स्क्वायर, ठीक है, और प्लस में सिग्मा एन, क्लियर है। वन बाई टू, यहाँ देखिए सिग्मा एन स्क्वायर का एन इंटू एन प्लस वन इंटू में टू एन प्लस वन बटा में सिक्स और प्लस एन इंटू एन प्लस वन बटा में टू, क्लियर है। चलिए आगे कॉमन करते हैं, जैसे वन बाई टू अंदर से कॉमन होगा एन इंटू एन प्लस वन बटा में टू, यहाँ बचेगा टू एन प्लस वन बटा में थ्री और प्लस में वन, वन बाई टू एन इंटू एन प्लस वन और बाई में टू ब्रैकेट के अंदर एलसीएम ले लीजिए थ्री टू एन प्लस वन प्लस थ्री, अच्छा इसको चाहे तो गुना कर सकते हैं एन इंटू एन प्लस वन बटा में फोर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा ऊपर टू एन प्लस फोर बटा में थ्री, चलिए यानी कि इसको गुना कर दिए तो हो जाएगा एक बट्टा चार तीन बारह एन इंटू एन प्लस वन, अच्छा इसमें से टू कॉमन कर ले, क्या टू कॉमन कर लीजिएगा तो एन प्लस टू, यहाँ देखिए इससे इसको काट दीजिए, छः बार में कट जाएगा ना, यानी जो बच गया वो आपका योग यहाँ से निकल गया है एस एन बराबर वन बाई सिक्स एन इंटू एन प्लस वन और इंटू में एन प्लस टू, और ए एन बराबर ऊपर क्या था वन बाई टू एन इंटू एन प्लस वन, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है तीसवें दिन वो कितनी राशि जमा कर पाएगा और कुल तीस दिनों की राशि क्या होगी, तो यहाँ रखेंगे तीस तो पता चल जाएगा आपका कि तीसवें दिन वो कितना राशि जमा करेगा, और यहाँ तीस रखेंगे तो कुल योग आपको प्राप्त हो जाएगा तीस दिनों तक की जमा राशि, तो यहाँ लिखेंगे तीसवें दिन की जमा राशि क्या हो जाएगा, इसमें रख देंगे वन बाई टू इंटू में तीस और ब्रैकेट में तीस प्लस वन, चलिए इसको इससे काट देंगे तो पंद्रह बार में कट जाएगा ना, पंद्रह दुना तीस तो पंद्रह और गुना में तीस एक इकतीस, ठीक है गुना कर दिए यहाँ से चार सौ पैंसठ रुपए आ जाएंगे, यही ना होगा। और कुल जमा राशि तीस दिनों में, कुल जमा राशि तीस दिनों में, कुल जमा राशि मतलब कुल कितना जमा राशि होगा वो बताना, तो यानी इसमें रखना होगा वन बाई सिक्स इंटू में थर्टी, थर्टी प्लस वन और थर्टी प्लस टू, इसको काट दीजिए कितना बार में, तो छः पंज तीस बचेगा पाँच गुना इकतीस गुना बत्तीस, तो तीनों को गुना कर दिए तो चार हजार नौ सौ साठ रुपया आ जाएगा, समझ गए। चलिए समझ में आ गया नया क्वेश्चन, तो इसी के साथ इस वीडियो को इन करते हैं, प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें, जितना ज्यादा हो सके दोस्तों में शेयर करें, हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं, और इससे रिलेटेड जो भी लिंक की जरूरत हो, अदर सब्जेक्ट की लिंक, अदर चैप्टर की लिंक, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 7301778899 पर व्हाट्सएप SMS भेज के चैप्टर के लिंक पा सकते हैं, और प्लीज इस नंबर पे कॉल कभी नहीं करेंगे, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, थैंक्स फॉर वाचिंग द वीडियो, और प्लीज आप लोग दोस्तों से वीडियोस को शेयर किया करें और कमेंट तो जरूर किया करें वीडियो से रिलेटेड, ठीक है।
ताकि हम लोग को पता चल सके कि हम लोग कैसे वीडियोस आपको लिए बना पाते हैं। ठीक है, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियोज़।